बेलीपार थाना के हाटा गांव में चुनावी रंजिश में दो गुटों के बीच विवाद के बाद गोली चल गई, जिसमें गांव के ही 25 वर्षीय जयेश निषाद पुत्र राम हुजूर निवासी चंदौली बुजुर्ग थाना बेलीपार ने गांव के ही समय माता के मंदिर पर हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचकर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें गांव के निवर्तमान ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह निवासी हाटा थाना बेलीपार वर्तमान में प्रधान पद की प्रत्याशी शीला देवी पत्नी राजकुमार गुप्ता निवासी हाटा थाना बेलीपार व नंद गोपाल प्रजापति पुत्र जुगल निवासी हाटा थाना बेलीपार को गोली मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची मुकामी पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से तीनों घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर रूप से घायल अखिलेश सिंह और नंद गोपाल को BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जबकि प्रधान पद की प्रत्याशी शीला देवी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं घटना को अंजाम देने वाले जयेश को मौके पर ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद कर लिया है। दिन दहाड़े हुई गोलीकांड की घटना की सूचना पर पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए घायल के परिजन तथा हमलावर ने बताया। वहीं इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर अभय कुमार श्रीवास्तव व दूरभाष पर बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कुमार
आपको क्या है किसके साथ उनके साथ पहले से पता था आ जाएगा तो मैंने भी करा था और उसका मनोमन तैयार लेकिन नहीं अगर तुमने थोड़ी हुई जमीन है तो तुम्हारे बगल में ग्राम सभा थोड़ी है। नहीं तो सर ग्राम सभा भी तो सर यहाँ से शुरू हो जाता है ना। अच्छा कितनी चौड़ी इस रूट से कितनी चौड़ी तो हम भैया नहीं बता सकते। ये क्या है ये तो ग्राम सभा नहीं नहीं ग्राम सभा की बेटा आप लोगों को ये पहले से बताते हैं इनकी प्रधान जी की चल रही है तो कह रहे हमारी चल रही प्रधान जी की क्या चल रही फायदा मुझे है सर उनकी मौजूद नहीं नहीं लेकिन देखो ये आपके घर को तो रास्ता है तो आपके घर के इधर रास्ता होगा तो आपको क्या लेना देना उसके आपका घर तो वो है सर। हम लोग गांव में चंदौली बुजुर्ग के हम सर रहने वाले हैं वहाँ पे हम लोग एक शिव चर्चा कार्यक्रम था जिसमें सारी महिलाएं चारों गांव की इकट्ठा होकर पूजा हम लोग करवा रहे थे। पूजा होने के संपन्न होने के बाद चाचा हमारे अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे जो दूसरे अखिलेश सिंह जिनका नाम है और साथ में उनके नंद गोपाल थे जो थाली लिए हुए थे थाली में से प्रसाद निकाल निकाल दे रहे थे। उसी दौरान चंदौली का निषाद जयस निषाद वो अपने कुछ साथियों के साथ आया और चाचा के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चार पाँच चला दी जिसमें चाचा को और हमारे साथ नंद गोपाल दोनों लोगों को गोली लगी हुई है। चार पाँच गोली चाचा को लगी हमारे अखिलेश सिंह को आई जो नंदगोपाल है उनको एक दो गोली वजह वही चुनावी रंजिश है सर। वो सब एक संतोष निषाद उसका समर्थन कर रहे थे। हम लोग शीला देवी एक महिला प्रत्याशी उसको लड़ा रहे थे प्रधान पद के लिए। सर हम लोग खुद 15 साल से लगातार प्रधान है वहाँ के। सर हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है यहाँ से हम लोग को रेफर किया जा रहा है बीआरडी हम लोग वहीं भाग जा रहे हैं तुरंत। दो सीने में लगी है एक गर्दन पे लगी है एक इधर बगल में लगी है छाती बगल में और एक पेट के किनारे कहीं लगी है। राम हमसे 50,000 रुपया ले लो और तुम्हारी जमीन का बाउंड्री करा देंगे वरना हमने बोला नहीं हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कहें ठीक है मत करो हम तुम्हें मार देंगे तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे ये कहा ठीक है मरवा दीजिएगा। और 3 साल पहले से विवाद था तो हमने कहा ठीक है मरवाइएगा 50,000 रुपया हमको दे रहे थे हमारा सपोर्ट कीजिएगा करेंगे तो हमने सोचा कि ठीक है वो मरवाए हमारी फैमिली को मराएंगे उससे पहले हमको मार देंगे उन नहीं एक जन को मारे थे और बगल में तेल लगा है पिस्टल था 6 राउंड फायर किया। हमारे पास 2 गनशॉट इंजरी के मरीज आए हैं। एक मरीज के बारे में निश्चित मैंने गनशॉट देखा है और उसमें चेस्ट में इंजरी है दोनों राइट और लेफ्ट दोनों चेस्ट में इंजरी है और एक तरफ बैक में और एक उसी के बाएं तरफ सर में इंजरी दिखाई दे रही है और अभी तो वाइटल्स मेंटेन है लेकिन लंग इंजरी है क्योंकि सर्जिकल इम्फाइसिमा डेवलप हो रहा है राइट साइड में जिसका लंग साइड में इंजरी है। लुक में तो एक गनशॉट दिख प्रतीत हो रहा है। हालत उसकी इस समय तो वाइटल्स मेंटेन है लेकिन इन मरीजों में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि चेस्ट में ब्लड कलेक्ट होता है तो धीरे धीरे कलेक्ट होता है। वॉल्यूम जब बढ़ता है तो 2 तरह से नुकसान करता है या तो न्यूरोजेनिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ब्लड कम होने के कारण साथ में जाएगा पेन के कारण न्यूरोजेनिक शॉक में जाएगा और कंप्रेशन के कारण जो है यदि अधिक कलेक्ट हो जाता है तो कंप्रेशन पड़ता है तो इवन राइट साइड में भी इंजरी है लेकिन उसका प्रेशर राइट साइड हर्ट पे भी जा सकता है इवन हर्ट बचा हुआ। हाँ दोनों मेडिकल कॉलेज में बेनीपार में एक समयाबाई का मंदिर है वहाँ आज गांव की महिलाएं पूजा वगैरह कर रही थी और वहीं कुछ पुरुष भी थे जिसमें निवर्तमान प्रधान अखिलेश सिंह भी थे। प्रसाद विसाद बट गया जब जाने को हुआ तो उन्हीं श्रद्धालुओं में एक जयेश निषाद उसी गाँव का है जो अखिलेश सिंह के 6-4 कदम पीछे बैठ करके पूरे कार्यक्रम में शामिल था। जब चलने का समय आया तो उठा और उसने तलातर फायरिंग कर दी जिससे अखिलेश सिंह और 2 अन्य लोग घायल हो गए
अखिलेश सिंह का और एक अन्य घायल का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। तीसरे घायल का यही सीएससी पे इलाज हुआ है, उन्हें हल्की चोट है। दूसरे को भी हल्की, अखिलेश सिंह को गंभीर चोटें हैं और उनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिसने फायर किया था उसको गांव के लोगों ने पकड़ लिया, पिस्टल भी छीन लिया, उसको काफी गांव के लोगों आक्रोशित भीड़ ने मारा पीटा। तब तक सूचना पे पुलिस पहुंच गई और वहां पहुंचे सब इंस्पेक्टर ने उसको भी बचा के वहां से फिर निकाला और लोगों ने उसे पुलिस पब्लिक ने ही उसको उन्हें हैंडओवर कर दिया। दरोगा जी उसे फिर ले आए, उसका भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के सर पृष्ठभूमि क्या है? इस घटना की पृष्ठभूमि में भी जो बात कुछ इस तरह की निकल के आ रही है कि कोई ग्राम समाज की लैंड है जो आरोपी के घर के ठीक सामने है, वो उसे कब्जा करना चाहता है, जबकि ग्राम प्रधान वहां से एक सार्वजनिक रास्ता बनाना चाहते थे पूरे गांव के लिए। पहले ये सहमत हो गया, जब उन्होंने मिट्टी उट्टी पटवा दी तो कहा कि अब नहीं हम बनने देंगे, उस पे अपना निर्माण करने लगा, तो उन्होंने ग्राम समाज की ओर से मुकदमा दाखिल करके स्टे करा लिया। ये बात सब 2 साल पहले की है, मामला सामान्य रूप से गांव में चल रहा था कि स्टे हो गया, ना ये कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगता है उसी आक्रोश में किसी ने चढ़ा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसने ये घटना की। जो घायल है उनका परिजन ने आरोप लगाया कि प्रधानी के चुनाव में इस टाइप की बात हुई। अब ये सारा विषय विवेचना का होता है ना, जैसे यहाँ पर परिजन उनके है नहीं, अस्पताल में है, हम लोगों के पे छानबीन में जो चीजें पता चली ऑलरेडी तो बता रहे हैं कि पूर्व प्रधान जिसको लड़ा रहे थे वो प्रत्याशी भी घायल हैं, शीला देवी हैं, उन्हें भी इंजरी आई है, और मंदिर पे वहाँ शीला देवी और उनके समर्थक लोग ही महिलाओं के साथ बैठे थे, गांव की महिलाएं थी। इसमें असलहा भी बरामद हुआ सर? हाँ, असलहा नाजायज पिस्टल बरामद हुई।